नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो बीए बीएससी बीकॉम के जो छात्र हैं, या फिर आप कह सकते हैं जो यूनिवर्सिटी व कॉलेज के जो छात्र हैं, उनका जो रिजल्ट आया है उसके बारे में। कौन से छात्रों का रिजल्ट आया है सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो पूरी जानकारी के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। आप सभी को मालूम है, जैसे भी परीक्षा या फिर यूनिवर्सिटी से जुड़ी कोई भी अपडेट आती, चाहे रिजल्ट को लेकर हो चाहे एडमिशन को लेकर हो, सबसे पहले आप तक प्रोवाइड करते हैं। तो आज है वो रिजल्ट जारी किया गया एक यूनिवर्सिटी के माध्यम से। तो पहले आप लोग ये देखिएगा, हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी आपके कॉलेज से ना हो ये अपडेट, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखने के बाद आप वीडियो के लास्ट में मैं अन्य के बारे में भी बात करूँगा, अन्य यूनिवर्सिटी के छात्र के बारे में, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है, इससे आइडिया लग जाएगा कि आप सभी का रिजल्ट कब तक आएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि 175 छात्र पास नहीं हो सके घर से पेपर देने के बाद भी। बीएससी में 107 और बीए में 50 छात्र फेल। ये लेटेस्ट अपडेट है, मैं आपको बता दूँ, ये इसी 2021 में जो परीक्षाएं हुई हैं या फिर जिनका प्रमोशन हुआ है उनका रिजल्ट जो जारी हुआ उसके बारे में। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, लिखा है रिजल्ट आउट, ओके। रिटर्न पढ़ते हैं क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है कोरोना काल में ग्रेजुएशन के छात्रों को घर से परीक्षा देने का अवसर मिला, यानी कि बीए बीएससी बीकॉम वाले, ठीक है। इसके बाद भी बीएससी अंतिम वर्ष में 107 छात्र फेल हुए हैं, जबकि 68 को पूरक की पात्रता मिली, यानी बीएससी फाइनल में 175 छात्र पास नहीं हो सके। बीए अंतिम की परीक्षाओं में, ठीक है, बीए अंतिम की परीक्षा में 153 पास नहीं कर पाए, इसमें 50 फेल हुए, जबकि 103 को पूरक, ठीक है, पूरक की पात्रता मिली। सोमवार को पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने ग्रेजुएशन फाइनल और पीजी के नतीजे जारी किए, यानी बीए बीएससी बीकॉम और एमए एमएससी एमकॉम के रिजल्ट है वो जारी किया है रविशंकर विश्वविद्यालय ने। और लिखा है कि बीए अंतिम वर्ष की परीक्षा में कुल 18,335 परीक्षार्थी थे, इनमें से 18,108 पास हुए हैं, 50 फेल हुए, 103 को पूरक की पात्रता मिली हुई, 74 के रिजल्ट रोके गए हैं, 47 अनुपस्थिति रहे हैं, रिजल्ट 98.76% रहा पिछले वर्ष की तुलना में। इस बार रिजल्ट बेहतर रहा, इस तरह बीएससी अंतिम वर्ष का रिजल्ट 97% रहा है। बीएससी अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कुल 6908 परीक्षार्थी थे शामिल हुए थे, इसमें 7,730 पास हुए हैं, 103 फेल हुए हैं। तो इसी तरह सारी जानकारी आप यहाँ पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि अब धीरे धीरे यूनिवर्सिटियों ने जो रिजल्ट है वो जारी करना स्टार्ट कर दिया है। हालांकि एक और यूनिवर्सिटी ने जारी किया था, दिल्ली ने, लेकिन वो सेमेस्टर वालों का रिजल्ट था। और आज जो वार्षिक यानी कि एनुअल एग्जाम वाले हैं, ठीक है, उनका भी रिजल्ट जारी किया है पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय की ओर से बीए बीएससी बीकॉम एमए एमएससी एमकॉम के छात्रों का। आई होप, आशा करते हैं जल्द अन्य यूनिवर्सिटी के भी जारी होंगे रिजल्ट, तो हम आपको इन्फॉर्मेशन कर देंगे। बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, डे बाय रिजल्ट की हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट देते रहेंगे। आप भारत के चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, बस आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम कमेंट में लिख दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे कोई अपडेट आए तो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।